छोटे से इलेक्शन के लिए भी आप पूरी फौज यहाँ लेकर बैठे हैं। फौज ऐसा ये फौज नहीं है, ये लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कि मैं घबराहट हम में नहीं है, उनमें घबराहट उनमें है। आप सोचिए, मैं मुंह से कुछ शब्द निकलने थे, उनका और उनमें दोस्ती हो गई। जो चिर विरोधी थे, जो कई दशकों से आमने सामने लड़के आ रहे थे, मैं ये मानता हूं कि नूरा कुश्ती होती थी तब, नूरा कुश्ती होती थी, लेकिन अब नूरा कुश्ती वाले तो हाथ में हाथ डाल के लड़ रहे हैं। घबराहट किस में है, हम तो अकेले लड़ रहे हैं। क्या वो काबिल नहीं थी इलेक्शन कैंपेनिंग करने के लिए आपकी स्टेट लीडरशिप जो यहाँ? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पंचायत से लेकर लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, और हम कैडर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले कार्यकर्ता हूं। ये कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन पहले कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता के नाते हम यहां काम कर रहे हैं। आप देखिए कि यहां का स्टेट यूनिट, हमारे वहां पंजाब में चुनाव होता है वो आते हैं, दिल्ली में चुनाव होता आते हैं, तो वैसे ही हम आए हैं। और ये मैनेजमेंटल वर्क है, क्योंकि हम कैडर, ये किसी बाप बेटे की पार्टी नहीं है, किसी माँ बेटे की पार्टी नहीं है, माँ बेटी की पार्टी नहीं है, चाचा भतीजा की पार्टी नहीं है। हाथ हिलाने से नहीं, हम हाथ जोड़कर प्यार से आगे बढ़ते हैं, लोगों को गले लगाकर वोट लेते हैं, वो हमारी प्रथा है। अब कौन सी लीडरशिप आ गई है? ये जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, मैं वैली का इलेक्शन इंचार्ज हूँ, अनुराग ठाकुर जी जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। हमारे डर से वो इकट्ठे हुए हैं, गठबंधन बनाया, गुमराह गैंग बनाया, गुपकार गैंग बनाया। हम तो पार्टी के जो प्रभारी होते हैं, अगर ये कल तरुण जी को बधाई भी देते हैं कि जहाँ के ये प्रभारी हैं तेलंगाना के, वहाँ भी इनके जो मुबारक कदम गए तो वहाँ भी हम जीते हैं। तो पार्टी की तरफ से तरुण जी को बहुत बधाई देते हैं कि कल इनके वहाँ जाने से बहुत अच्छी सीटें हमें मिली। और यहाँ पर जहाँ भी चुनाव होता है, हम लोग प्रभारी हैं, ये जब से 15 दिन से जम्मू में है यहाँ है, और महीनों आपके बीच में रहने वाले हैं। सवा जो इन्होंने कहा कि वो जो गुपकार गैंग के लोग हैं, जो इतने घबराए बीजेपी की आंधी से, वो लोग जो खोखले थे वो एक दूसरे से लिपट गए, तो वो इकट्ठे हुए हैं। हमारे अगर हम कमज़ोर थे तो वो इकट्ठे क्यों हो गए? क्योंकि बीजेपी को वो ताकतवर मानते हैं। धन्यवाद।